तो फाइनली मेरे दोस्तों, आज डंकी के फैंस को शांति मिल चुकी होगी। जी हाँ, क्योंकि डंकी मूवी सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और इस मूवी को देखने के बाद कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपसे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं डंकी मूवी की स्टोरी की। तो दोस्तों, डंकी मूवी की स्टोरी वैसी ही है जैसा हमने ट्रेलर में देखकर अपने माइंड में एक्सिक्यूट कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, ये वही पांच दोस्तों की कहानी है जो कि विदेश जाना चाहते हैं। इनके जो सपने हैं विदेश को लेकर, उसके लिए ये काफी प्रयास करते हैं, जिसके लिए इन्हें इंग्लिश सीखना होती है और ये फेल हो जाते हैं। फिर ये इलीगल तरीके से यानी डंकी बनकर पहुंच जाते हैं लंदन। फिर वहां इनके साथ क्या क्या होता है वही एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा मूवी के अंदर, और जो इनकी फैमिली है उनके साथ क्या होता है जब ये लोग विदेश पहुंच जाते हैं। तो ये पूरा एक्सपीरियंस की जर्नी आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी में एंटरटेनिंग पार्ट्स कितने हैं। तो दोस्तों, मूवी वन टाइम वॉचेबल मूवी है। इसमें आपको इतनी ज्यादा हाई लेवल की कॉमेडी और ह्यूमर्स देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि आप राजकुमार हिरानी की पुरानी फिल्मों में जैसे पीके और थ्री इडियट में देखते हैं। उनके सामने फिल्म कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है। ये फिल्म शाहरुख खान की होने के बावजूद भी आप इसमें पठान और जवान जैसा एक्सपेक्टेशन ना रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि उसमें मासी अवतार था शाहरुख खान का और इसमें क्लासी अवतार है। तो राजू हिरानी सर और शाहरुख खान सर की मूवी है, अब इस हिसाब से इसको देख लो, क्योंकि इस मूवी में आपको जो एक नॉर्मल तरीके की मूवी लगेगी यूं देखने पर, आपको ऐसा नहीं है कि थिएटर जाके इस मूवी को देखें, आप इस मूवी को ओटीटी पे भी एंजॉय कर सकते हो। वही मेरी तरफ से आपको बेस्ट डिसीजन है, पूरी फैमिली के साथ ओटीटी पे आप देख लेना, क्योंकि थिएटर में जाकर देखने जैसा इस फिल्म में कुछ नहीं। अच्छी मूवी है, मैं बुरी नहीं कह रहा, लेकिन थिएटर में आजकल हम ग्रैंड लेवल की मूवी देखते हैं, हाई सिनेमेटिक एक्सपीरियंस करके आते हैं, जैसा कि सलार मूवी जो कि आने वाली है वो थिएटर को डिजर्व करती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये मूवी मुझे किससे इंस्पायर लगती है। तो दोस्तों, एक वेब सीरीज आई थी सुनील ग्रोवर की जिसका नाम था यूनाइटेड कच्चे। उस वेब सीरीज से हमको काफी ज्यादा इंस्पायर लगती है मूवी। वो वेब सीरीज G5 पे आज भी आप जाकर देख लीजिए, आपको काफी एंटरटेनमेंट करेगी, जिसका सीजन 1 काफी अच्छा था, सीजन 2 का भी अभी वेटिंग चल रहा है। तो इसी के साथ, शाहरुख खान सर की परफॉर्मेंस तो हमेशा अच्छी रहेगी, वो बहुत ही अच्छा एक्टर है, बताने की बात नहीं। हमें तापसी पन्नू ने अच्छा काम किया है, बाकी दो इनके दोस्त थे जो कलाकार, एक सरदार जी और दूसरा एक लड़का है, वो भी इन्होंने भी काफी अच्छे काम किए हैं। और सबसे जबरदस्त काम किया है विक्की कौशल ने, उसका रोल छोटा था लेकिन बंदा रोएगा तो रुला देगा और हंसते टाइम आपको हंसा देगा, शानदार परफॉर्मेंस दी है। और ओवरऑल पूरी टीम की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही, बोमन ईरानी ने भी अपनी जगह अच्छा काम किया, मूवी के गाने भी अच्छे है, मतलब ओवरऑल ठीक है, अच्छी मूवी है। मैं ज्यादा अच्छी भी नहीं बोल सकता और ज्यादा बुरी भी नहीं बोल सकता, अच्छी वन टाइम वॉचेबल मूवी है। अगर आप शाहरुख खान सर के फैंस हो तो फैंस तो जाएंगे ही सही, भले हम बोले या ना बोले, वो तो थिएटर में ही जाके देखेंगे। और मैं समझता हूँ फैंस के इमोशन को, क्योंकि मैं भी किसी हीरो का फैन हूँ, उनकी कैसी भी मूवी होती है मैं थिएटर में जाके देखता हूँ। तो आप भी जाइए, बेशक देखिए अपनी मर्जी से, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ लॉजिकल वे में कि हाँ, ओटीटी पे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं मूवी। तो शाहरुख खान सर की मूवी देखिए, पठान और जवान जो आई थी वो उसके सामने कोई इतना बड़ा क्लेश नहीं था, उसने हजार हजार करोड़ कमा लिए। अब देखते हैं ये मूवी जिसके सामने सलार जैसी डायनासोर लेवल की मूवी है, तो क्या ये मूवी हजार करोड़ कमा सकती है। अगर इस मूवी ने हजार करोड़ कमा लिए तो मैं मान लूंगा कि हाँ, शाहरुख खान सर बहुत बड़े स्टार है। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।